अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट बुखारी राइस। तीन मीडियम साइज प्याज काटी है, पाव किलो गाजर ग्रेट कर दिया है, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, दो टेबलस्पून अरबिक मसाला लिया है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, एक बड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है, उसमें एक टीस्पून हाफ टीस्पून मैंने अरबिक मसाला डाला है, 1/4 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर डाला है। ये तीन मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट बना दिया है ग्राइंडर में। हाफ कप तेल ले लिया है, इसमें देसी घी भी ऐड करेंगे। तीन टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है, गैस ऑन करके गरम करेंगे घी और तेल को। तेल और घी साथ में गरम हो गया है, इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए, हमारी लाइट पिंक होने तक फ्राई कर देंगे प्याज को। प्याज थोड़ी थोड़ी पिंक होने लगी है, इसको आकर हम अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने प्याज को स्लाइस पिंक किया था, ये हाई फ्लेम पे मैं अदरक लहसुन पेस्ट भी भून रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट को लाल होने तक भून दिया है, अब बाकी के सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, फ्लेम पे मसाले को भून देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने मसाले को भी भून दिया है, 2-3 मिनट तक भून दिया है हाई फ्लेम पे। अब इसमें 800 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे करके चिकन को मिक्स कर देंगे मसाले में। नमक कम लग रहा है, नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। अब चिकन गलने तक इसको ढककर पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, अब गैस ऑफ कर देंगे, चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को निकाल लेंगे मसाले में से। अब गैस ऑन कर देंगे।
गैस ऑन करके ये शेडेड जो गाजर है ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर दिया है, मिक्स कर देंगे गाजर को। इस नाप का बासमती चावल मैंने 2.5 ग्लास लिया है, यानी आधा किलो बासमती चावल भिगो के रखा था, इसलिए मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी को अच्छा बॉईल आ गया है, भिगोए हुए बासमती चावल है आधा किलो, इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे चावल को अच्छा बॉईल ले लेंगे। ये मसाला जो मैंने स्टार्ट में बताया था ये अभी चिकन पे लगाएंगे। सारे चिकन पे इसी तरह से मसाला लगा देंगे। अच्छा बॉईल आने पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। नमक टेस्ट किया है, नमक थोड़ा कम है, आप इसी वक्त नमक टेस्ट कर सकते हो। नमक कम है, नमक ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे चावल के 80% तक पकने तक। तेल गरम हो गया है, चिकन को मैंने मसाला लगा दिया है। चिकन को फ्राई करेंगे इसको। चिकन को मैंने फ्राई कर दिया है, हाई फ्लेम पे टर्न कर दिया है। चिकन पीसेस फ्राई हो गई है। 15 मिनट्स में इसको अच्छी भाप आ गई है। अब इसमें चिकन पीसेस फ्राई की हुई रख देंगे। चिकन का तेल भी मैंने इस पे डाल दिया था दम पे रखने के टाइम, और इसका मसाला भी चिकन में लगाते टाइम का मसाला भी इस पे डाल दिया था। पांच मिनट तक और इसको सिम पे रखेंगे हम। 5 मिनट तक इसको सिम पे रख दिया, अब गैस ऑफ कर देंगे। अच्छी भाप आ गई है, देखिए। चिकन रोज बुखारी राइस तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना।